गुरुग्राम का आगाज एक नारे से करेंगे। मैं कहूँगा वक्त संपत्ति मुसलमानाची, आपको कहना है नहीं कोना छे बापाची। वक्त संपत्ति मुसलमानाची, वक्त संपत्ति मुसलमानाची, वक्त संपत्ति मुसलमानाची। हमारे पास आए हुए मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से उस्मान अल हाजरी साहब, एडवोकेट अशफाक साहब, एडवोकेट शकील साहब। पुणे से एजे खान साहब, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर सलीम मुल्ला साहब। और यहाँ के मुकामी हजरात जिन्होंने वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए, इन आने वाले सभी मैं हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम के सदर एजे खान साहब, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर पुणे, मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सदारती खुतबे से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई, उन्होंने सवाल किया था कि वक्फ बोर्ड से जब कहा जाता है कि कुछ आप गरीबों के लिए मकान दे दें, तो वो मंशा वाकिफ़ की तरफ इशारा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपने सुना होगा कि नॉलेज इज़ पावर। आप नॉलेज हासिल कीजिए। एक नॉलेज ये है कि वक्फ एक्ट की एक दफ़ा है 32 की एक सब दफ़ा है 4। वो ये कहती है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को देखेगा कि ये डेवलप हो सकती है, वो मुतवल्ली को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इसको डेवलप करें। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, स्कूल कॉलेज एट्सेट्रा, यानी उसमें मकान भी बन सकते हैं, उसमें गरीबों के लिए सब कुछ हो सकता है। उनसे पूछिए, मैं आपसे मतलब बहुत उससे कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत दिन का गुस्सा निकल रहा है। उन बदबख्तों से पूछिए कि आपने क्या एक प्रॉपर्टी डेवलप कराई है? आप कौन होते, कौन है आप मंशा वाकिफ़ की मंशा की तरफ आप इशारा करने वाले? ये लोग 3187, मैं सारी डिटेल आप लोगों को दे सकता हूँ, और ये है वेबसाइट पे, सबके सामने है, अभी यही मैं बैठा हुआ देख रहा था। 3187 प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में हैं महाराष्ट्र में। आपके शहर में 684 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन 684 प्रॉपर्टीज़ में एक बड़ी मज़े की बात है, मैंने छोटी सी सिंपल कैलकुलेशन की थी, मैं थोड़ा वक्त में निकाल लूँ। तो वो बाबा जिसमें उनका ऑफिस है, ये अपने पंचक्की वाले बाबा, तो बाबा शाह मुसाफिर, तो वो उसकी जायदाद 3500 एकड़ है। 3500 एकड़ अब बची है, पहले ये 6000 एकड़ थी। हमारे बियाबानी साहब, राशिद बियाबानी साहब के पास सारे कागजात मौजूद हैं। तो 3500 एकड़ बची है, वो एडमिट करते हैं। हमने भी उनसे नकल ले ली, सलीम भाई निकाल के लाए, नकल है हमारे पास। अब जब हमने सवाल पूछा कि भाई इसमें हो क्या रहा है, बिल्कुल साइलेंस, डेथली साइलेंस। अब आप लोगों को, आप यहाँ पे हैं मौजूद, आपका शहर है, इसमें पुलिस कमिश्नर का ऑफिस बना है, बिल्डिंग बनी है, और पुलिस के कुछ ऑफिसेज हैं इसमें। ये आपका ज़िला परिषद की बिल्डिंग बनी हुई है। आप पूछें क्या भाई उसका किराया आ रहा है इतनी शानदार बिल्डिंगों का? नहीं, वो किराया भी नहीं आ रहा है शायद। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछने की कोशिश की, RTI लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तो बहुत कुछ है, उन चीज़ों को जानिए और ज्वाइन कीजिए इस लड़ाई में। एक 4 लाइन उर्दू में लिखी हुई ज़्यादा नहीं चाहिए, और प्रॉपर एड्रेस पर डिलीवर कीजिए कि भाई इसके बारे में बताइए। एक एक दिन में 100-100 दरख्वास्तें जाना चाहिए, इसके बारे में सवाल कीजिए। देखिए वक्फ बोर्ड के हमारे मेम्बरान हैं, मैंने जो कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त बहुत गुस्से में निकला, इससे कि बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो हमारी तरह इंसान है। जैसे हम मुसलमान हैं, हम डरते हैं अल्लाह से, और उस तारीख जगह से डरते हैं, खबर में जहाँ हिसाब होगा ऐसे डरते वो भी हैं, लेकिन उनको उस डर की तरफ उनकी तवज्जो दिलाना। एक मामला है, अब हम लोग एक मेम्बर साहब हैं, वो अपनी माशाल्लाह मजबूत टांग अड़ाए हुए हैं। हम बड़ा ख्वाब देखे हुए कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके हम लोग, जिस प्रोजेक्ट का हमारे पास एक नया पैसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा, चूँकि मैं इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर था, बहुत जगहों पर रहा, बहुत लोगों को जानता हूँ, कि अपनी कमीज फैला के जाएंगे, जैसे सरसैयद बाबा ने पैसे मांगे वैसे हम भी जमा करेंगे, हम बनाएंगे। लेकिन उस जायदाद को भी लुटवाने के लिए 46 एकड़ प्रोमिनेंट जगह उसमें पूना में एक मेंबर साहब अपनी मजबूत टांग अड़ाए हुए, तो कुछ गुस्सा इसी उसका था बहरहाल, लेकिन डर उनके भी दिल में है। वो डर तब होगा
कहा जाता है, एक फ्रेज है इंग्लिश में, पुट द फियर ऑफ गॉड इन हिम। फियर ऑफ गॉड क्या है? दुनिया में पुलिस का डर। आपको मालूम है वक्फ एक्ट में उनके लिए भी सज़ा है। वक्फ एक्ट में एक सेक्शन है 101 जो डिफाइन करता है कि सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सर्वे कमिश्नर से लेकर मुतवल्ली तक पब्लिक सर्वेंट हैं। किस उसमें? आईपीसी में जैसा लिखा हुआ है, आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट गड़बड़ करता है तो क्या होता है? सज़ा होती है। खुद वक्फ एक्ट में सेक्शन 97 कहता है कि ट्रिब्यूनल 15,000 रुपये फाइन कर सकती है हर उस आदमी पे जिसने वक्फ की जायदाद पे इंक्रोचमेंट बढ़ाने में मदद की। जिस ज़मीन की बाबत में बात कर रहा था, हम लोग 2016 से लगे हुए हैं, दौड़ दौड़ के मेरे ख्याल में कई ट्रंक बन गए होंगे कागज़ों के जो हमने दाखिल किए हैं, और काफ़ी कुछ रेवेन्यू में पहुंचाया है कि रेवेन्यू में वो रिकॉर्ड रेक्टिफाई हुआ, जो गड़बड़ करके बेचा गया था वो अब सीधे आ गया। रेवेन्यू ने मान लिया कि वक्फ की जायदाद है, लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड उस पर बैठा है और इस तरीके से शान से बैठा है कि नीचे नए नए मकान बन रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टी बनेगी उतना आपको खाली कराने में वो होगा। आप उनसे ये भी पूछिए जिन्होंने आपसे कहा कि भाई ये मंशा वाकिफ जो है वो दूसरा है, तो आप उनसे ये पूछिए कि भाई आपकी जो मैनेजमेंट में प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपने क्या किया, आपने कितनी प्रॉपर्टीज़ डेवलप कराई, फिर कितनी प्रॉपर्टीज़ पे आप महज अपनी विम्स के ऊपर बैठे होंगे। एक हमारे यहाँ की नहीं है, पूरा की एक और रायगढ़ की प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बराबर मामला उसका चल रहा है। मैंने कहा वहाँ बैठ के उनसे कि भाई आप एक रुपये के एक ईंट की आज कीमत क्या है, 6 महीने बाद क्या होगी, खुदा के वास्ते जो भी करना है जल्दी कीजिए इस कीमत को बढ़ाने की, हम गरीब कौम हैं, हमको रईस नहीं है कि इस वक्त जो आज 6 महीने बाद कीमत होगी वो भी हम निकाल देंगे, हमें कम पड़ेगा। तो प्लान बनाइए, बड़े ज़मीनें हैं आपके पास, मांगिए आप इनसे, इनको घेरिए, और इनको घेरने का बेहतरीन तरीका है, पीसफुल तरीका है कि इनको चिट्ठियाँ लिखिए, मुतवल्ली साहबान से भी सवाल कीजिए। जब ये कौम की हालत आती है, एक मैं अभी दिल्ली में जलसा हुआ 29 तारीख को, ऑल इंडिया जलसा हुआ, आजकल के हालात के पेश नज़र मुसलमान काफ़ी जमा हुए, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी थे, पुराने मिनिस्टर्स भी थे, सब कुछ था, काफ़ी लोग थे, तो उसका तबादला ख्याल हुआ। मैंने वक्फ के तरफ बोला कि भाई मैं सिर्फ ये आगाह करना चाहता हूँ कि वक्फ अपने हाथ से निकलने वाले हैं। क्यों निकलने वाले हैं? बहुत आसान है। वे बैक में कभी मजिस्ट्रेट था हुआ करता था 1976 में, तो गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने हाथ में ले लिया था, तो उसका वो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने काफ़ी जोर वोर लगाया, तो इस शर्त पे छोड़ा गया कि 6 महीने में वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और मामला को इम्प्रूव करेंगे, वरना गवर्नमेंट जो है टेक ओवर कर लेगी। 6 महीने का वक्फा गुजरा तो मैं यंग मजिस्ट्रेट था, मुझे लगाया गया कि भाई आप जाके देखिए, इंस्पेक्शन कीजिए। आज अगर वक्फ बोर्ड के काम का इंस्पेक्शन हो, मैं दिल्ली में भी कुछ कागजात देख के आए, बड़े रिवीलिंग हैं, वक्त नहीं मैं आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि साहब आपने सिंगुलरली आपने फेल किया, आपका मैनेजमेंट कुछ हुआ नहीं। मसलन 100, अगर मान लीजिए पूरे मुल्क में 100 औकाफ हैं, वैसे 3 लाख से ऊपर औकाफ हैं जिनकी जायदादें तकरीबन 7 लाख हैं, तो उसमें से 5,000 रुपये साल की इनकम पे आपको रिटर्न देना है, अपना ऑडिट रिपोर्ट देना है, तो उसमें से महाराष्ट्र में कहते हैं कि जितने हैं 3400 प्रॉपर्टी हैं, 3400 की 3400 को देना है, रिटर्न कितनों ने दिया? 500 ने। अब आप उनसे पूछिए कि भाई ये 500 ने दिया तो आपके पास पावर है मुतवल्ली को हटाने की? आप हटाते क्यों नहीं? हर साल आप 10-20 को निकाल दीजिए, अपने आप हालात ठीक होंगे, ये अपना दिखाएंगे। वो दिखाना क्यों ज़रूरी है कि आमदनी दिखाना, खाली इसके लिए नहीं कि वक्फ बोर्ड उसका कुछ पैसा अपने हिस्से का लेता है, वो तो कानून अलग है कि उनका काम जो है उन्हीं के वक्फ की आमदनी से चलेगा, लेकिन उनकी प्राइमरी ड्यूटी है ये इंश्योर करना, इस बात को तस्दीक करना कि जो पैसा आया वो पैसा वक्फ के काम में खर्च हुआ जैसा कि वाकिफ ने चाहा था। तो जहाँ आपको गरीबों के मकान के लिए कहानी सुनाई जा रही है, तो उनसे पूछिए कि आपने ये बाकी से क्यों नहीं लिया। हम सिर्फ सवाल नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम मार खा रहे। एक अपनी सी हम लोग कुछ रिसर्च करते रहते, एक हमारी कंपनी है उसमें भी कुछ काम वाम चलता रहता है, तो बुरहानपुर एक ज़िला है मध्य प्रदेश में,
बुरहानपुर में मैंने नोटिस किया बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, अच्छा अपने से नहीं किया, वहाँ पे एक सीनियर पुलिस अफसर से मुझसे, जूनियर से यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब आपकी तरह मैं भी काम करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें। तो मुझे कंप्यूटर तो आता नहीं, तो आप निकाल के इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं काम करूँगा। तो सबसे पहला ज़िला मैंने बुरहानपुर पकड़ा। वजह यह कि बुरहानपुर में बहुत लंबे अरसे तक मुसलमानों का बसाया हुआ शहर, मुग़लों से लेके और उससे पहले फारूकी बादशाह थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 8 लाख एकड़ ज़मीन औकाफ़ की है। बड़ा ताज्जुब हुआ, इधर लिखा उधर लिखा, ये वो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो अफसर हैं उनको दिया, उन्होंने कहा मैंने रेफ़र किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक दूसरे अंदाज से लिखा, मैंने ये देखा कि पूरे ज़िले में कितनी ज़मीन है, तो मालूम ये हुआ कि 94% ज़मीन जो है वो औकाफ़ की है, जो नहीं हो सकती, क्योंकि एक ज़िले में सड़कें होती हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, प्राइवेट मकान हैं, तो 94% वक्फ कैसे हो सकता है। ये तो एक साइड की स्टोरी है कि भाई इसे ठीक करो। अब जब ठीक किया तो वो जवाब मुझे कल मिला, उन्होंने कहा साहब जहाँ हेक्टेयर उन्होंने लिखा वहाँ पर एक्चुअली स्क्वायर फिट है। तो अभी हम लोग आ रहे थे तो मैं देखता हूँ आया तो कुछ अभी भी हेक्टर उन्होंने बदल दिया और ये लिखा कि हमने ये एंट्री ठीक कर दी है। ये रिपोर्ट भेजी गई सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने, जिन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि साहब आपकी तवज्जो की तरफ से आपने जो हमसे कहा तो ये बात ठीक हुई। अब मुझे लगा कि अगर स्क्वायर फिट पे लाते 8 लाख स्क्वायर फिट तो 24 एकड़ ज़मीन उस जरखेज़ मुसलमानों की हिस्ट्री की ज़मीन उसमें कुल 24.5 एकड़, तो इसमें भी कुछ लोचा है। तो मैंने देखना शुरू किया, मैं मुल्ला साहब बात करते आ रहे थे तो पाया कि बहुत बहुत शैबी ढंग से उसको बदला गया कि जहाँ वो था फुट किया गया और इतना जल्दी में कि एक जगह छोड़ गए, एक 600 हेक्टेयर अभी तक मौजूद है। उन्होंने कहा कि साहब सब ठीक हो चुका है। तो अब ये क्यों हुआ, अभी भी ज़रूरत है। मैं वहाँ के लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट किया, 2-3 लोगों को कली किया कि भाई खुद जा कर वेरीफाई करो वो एंट्री किसके बेसिस पे हुई और जो आपके औरंगाबाद ज़िले की है वो जो रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होता है जब रजिस्ट्रेशन होता है या गज़ेट का वो रिकॉर्ड होता है उसकी बेसिस पे उसमें जो एरिया होता है वो चढ़ाते हैं। हज़ारों ज़मीनें हैं पूरे मुल्क में जिनमें 0.00 एकड़ है। अब मैं उनसे अगला मेरा सवाल ये होगा कि अच्छा भाई ठीक है मैं मान लेता हूँ 18 एकड़ है, लेकिन इस 0.00 एकड़ भी बता दूँ कि इसके ये ज़ीरो किसका रिप्लेसमेंट है, एकड़ का है, गज़ का है, फुट का है, इसका है। तो लेकिन ये देखिए ये 1-2 लोगों के बस की बात नहीं है। हमारे उस्मान भाई माशाल्लाह बड़े मुजाहिद हैं जिनका नाम नहीं लिया गया लेकिन रेफरेंस आया। आप यकीन मानिए वो शख्स बहुत कुछ कर सकता है। जिस दिन वो अपना पर्चा भर गया, पिछले इलेक्शन में उन्होंने लिखा कि आज गरीबों के लिए पर्चा भरा गया, ट्वीट किया उन्होंने, तो मैंने उसके जवाबन ट्वीट किया कि सुभान अल्लाह। लेकिन मैं अभी हैदराबाद गया था, उसमें उस्मान भाई उस मीटिंग में थे तो मैंने वहाँ उस जलसे में कुछ बातें सुनी औकाफ के बारे में, तो आप क्या वजाहत करना चाहते हैं, वो वजाहत आज तक नहीं आई। अभी एक मामला डाला गया कि तेलंगाना डे था शायद कल या परसों, तो उस पर ट्वीट किया गया कि साहब तेलंगाना में यह है वह है वह है वह है, तो मैंने उसको लिखा कि भाई और औकाफ का क्या हाल है। दरिया बुर्द कहते हैं ज़मीन जिसके ऊपर दरिया आ जाता है, तो गायब हो गई वो ज़मीन। तो लेकिन ये मैं यूँ बता रहा हूँ कि ये कुछ लोगों के करने का काम नहीं है, इज्तमाही काम है और इसको सबको उठाना होगा। और आप यकीन मानिए कि हम सबसे अपनी अपनी कब्रों में जहाँ पे कोई नहीं होगा, आप कौम का तो कहीं नहीं सकते। दुनिया में तो कहते हैं ना कि भाई और कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे दौलतमंद हैं, वो तो कर नहीं रहे। कब्र में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि जो आपको दिया गया वो आपने कैसे खर्च किया, जो वक्त जो इल्म जो ताकत जो कुव्वत जो आपको उम्र दी गई वो आपने कैसे खर्च की। तो उसमें हमें सिर्फ एक जवाब मिलना चाहिए, एक जवाब की तैयारी करना है कि अल्लाह जितनी हमारी वसत थी हमने किया, बाकी तेरी रजा थी, अगर तू चाहता तो बगैर मेरी मेहनत के सब कुछ हो जाता। तो ये इस जवाब का आप लोग सब तैयारी करें।
और इसमें बहुत मिला, जो गुर्बत की फिगर बता रहे थे भाई पहले जो बोले थे कि 40% कहा, फिर उन्होंने कहा 80 कहा, आपके शहर अहमदाबाद में लेटेस्ट फिगर्स हैं कि 75% लोग बिलो पावर्टी लाइन है मुसलमान, 75% बिलो पावर्टी लाइन, जिनके बारे में आपने कहा कि 10-10 लोग एक एक 10x10 के कमरे में रहते हैं। तो ऐसे वक्त में कोई कुछ ना करे और कोई कुछ ना पूछे तो ये सबसे ज़्यादा नाजायज़ बात है ना पूछने वाली। करने वाला तो शैतान हमेशा से एक्टिव रहा है, लेकिन शैतान को अगर आप चैलेंज कर सकते हो और आपने ना किया तो हमारे आपकी बड़ी जवाबदारी होगी, जिससे कोई छुट्टी नहीं। एक शाम मुझसे मेरे एक बुज़ुर्ग जो हैं वो ये कह रहे थे काम भागते फिर रहो, क्या है मेरी अभी एक दो महीने कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, कहने अपनी सेहत का ख्याल रखो, ये सब करो ये वो। तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने मज़हब का भी रेफरेंस दिया कि अपनी सेहत देखना चाहिए, अपने घर वालों को देखना चाहिए वो, और नमाज रोज़े कैसे सफ़र करते हो तो कैसे रखते हो जो। मैंने कहा साहब सारी नमाज रोज़ों के बारे में है कि तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी अगर तुमने इंसानियत के लिए काम नहीं किया। सूरह बलद पढ़ के देखिए, उसकी आखिरी जो 20 उसमें आयतें हैं, तो उसकी 10 आयतें पढ़ के देखिए, जिसमें सिर्फ ये है कि गरीब के सर पे हाथ रखो, भूखे को खाना खिलाओ। इस्लाम की पूरी फिलॉसफी ये कहा गया कि कुरान अगर वहाँ मुकम्मल हो जाता तो इस्लाम पूरा था। उस वक्त ना नमाज का जिक्र था, ना रोज़े का हुक्म था, ना हज का हुक्म था, उसके 5 साल 7 साल 10 साल बाद आया। तो ये हमारा आपका फरीज़ा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उस्मान भाई को और अपने हजरात को जिन्होंने इस चीज़ को, ख़ासतौर से हमारे जो पहले स्पीकर थे जाकिर भाई, तो जाकिर भाई ने बड़ी प्यारी बातें कही। मैंने सोचा कि यही तो बातें मैं करता हूँ, मैं क्या बोलूँगा मज़हब की तरफ से इशारा करता हूँ। और बिल्कुल आप यकीन माने, जैसा उस्मान भाई ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि चीज़ें नामुमकिन हैं, अपने यहाँ पे मुमकिन करके दिखाया इस मस्जिद के मामले में, तो बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन सबको मिल के सवाल उठाना पड़ेगा। ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जो जो आए हैं वो बाकी लोगों को इस पैगाम को पहुँचाएँ। एक भाई ने कहा कि मस्जिद में होना चाहिए, एक जुमा महसूस होना चाहिए। हम लोगों ने कोई कितने पर्चे बांटे, 12,000। एक मौलाना से आर्टिकल लिखवाया, वो मौलाना जब वो कलम पकड़ते हैं, जैसे मैंने माइक पकड़ लिया है छोड़ नहीं रहा हूँ, तो मौलाना ने कलम पकड़ा तो वो लंबा लिख गए। खैर बहरहाल उसको हमने थोड़ा सा इख्तसार करके, थोड़ा सा करके हिंदी में उसको छपवाया बांटा। तो वो ये था कि मस्जिद का था, मस्जिद के लिए था कि भाई मस्जिद में खुतबे में इस्तेमाल होगा। तो जिन जिन मौलवी साहबान ने देखा, पेश इमाम साहब ने, उनका साहब बहुत है तो 4-6 जुमे तक चलता रहेगा। तो हमने कहा भाई इसका जिस्त उठा लो, सिर्फ एक लाइन उठा लो जिसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में कोई परेशान है तो जो उसके लिए परेशान नहीं है वो हम में से नहीं है। ये डिक्लेरेशन है, हम में से नहीं है, यानी हम में से कौन नहीं है, हम मुसलमान हैं, बिलीवर हैं, तो जो नहीं है वो कौन है, काफिर है, आपने कुफ्र किया। तो अपने भाई की परेशानी को समझिए। पत्थर चलते हैं, जूते चलते हैं, रोका जाता है वो बेचारा रेड़ी वाला सब्जी वाला गरीब गुरबा के ऊपर। उनका मेरा जैसा मकान होता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती उनकी पत्थर चलाने की, ये खास आप घर लेके आ जाएंगे। तो हमारे लोगों को साहब हैसियत बनाइए, और साहब हैसियत बनाने की है कुव्वत। आज से 7 साल पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था, बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल था, हिसाब किताब के साथ रेफरेंस दिया था सच्चर कमीशन रिपोर्ट का। ये लिखा था कि 70% गुरबत मुसलमानों की दूर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हर जगह हवाला दिया था रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ का, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़, वही हवाला सच्चर कमीशन में दिया था। तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ अगर मान लीजिए 3 हैं तो 15 अनरजिस्टर्ड हैं, जो हमारे लोगों ने किसी न किसी वजह से रजिस्टर नहीं कराए, तो हमारी तो गुरबत रहेगी नहीं। हमारा ऊपर बांटने वाला हाथ होगा, वो बांटने वाला हाथ होगा तो आज के जैसे हालात नहीं होंगे भाई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मुबारकबाद दूंगा अपने स्पीकर्स का कि बहुत सलीके से अपनी बात बहुत कम वक्त में रखी, और ये उम्मीद करूंगा ऑर्गेनाइज़र से शाहबुद्दीन साहब से कि ये इस तरह से जलसे को और भी आगे भी रखते रहें, और ख़ास तौर से यहाँ के लिए
जो आपको डिटेल चाहिए वो इनकी जो वेबसाइट है vamc.nic.in, उसमें सारी डिटेल है दी। उसमें आप देखेंगे, अभी बैठा हुआ मैं देख रहा था, उस्मानाबाद में एक घोटी की मस्जिद है, जामा मस्जिद। उस जामा मस्जिद की 850 एकड़ ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में है। उन सारे टुकड़ों का कोई 18-20 टुकड़े, उनका मैंने रिपोर्ट कार्ड निकाली, उसमें देखा तो उसने लिखा प्रेजेंट स्टेटस नॉट नोन। तो ये काबिल जो हवाला दे रहे हैं मेरे भाई को कि ये मंशा है वाकिफ, तो उनसे पूछिए कि साहब ये तो आपके उसमें है मैनेजमेंट में, ये इसमें आपने ये कैसे लिखा है कि नॉट नोन, प्रेजेंट स्टेटस नॉट नोन, 850 एकड़। तो खैर मैंने पता किया कि भाई हम लोग कुछ करें उसके बारे में, तो मालूम है 100 एकड़ पे गन्ने की फैक्ट्री लगी हुई है, बाकी में तेज़ी से प्रॉपर्टीज़ बन रही। अब ये निकल रही हैं तो ये उनसे पूछा जाए कि भाई ये आपकी पर्सनल जायदाद तो है नहीं, पर्सनल जायदाद होती तो शायद जैसे भाई ने कहा कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करते। किसी ने, मौलाना ने लिखा उसी आर्टिकल में, एक बालिश जायदाद भी होगी तो लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, लेकिन अल्लाह के हज़ारों एकड़ ज़मीन की तुम्हें तवज्जो नहीं। बहरहाल मैंने आप लोगों का वक्त लिया और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये आपने मौका दिया हम लोगों को यहाँ से आपके वहाँ से आके बोलने का। चलो अस्सलाम वालेकुम। वो सॉरी, एक मिनट, वो मैं बताना भूल गया कि मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया था कि 1735 में जबकि वो ज़मीनें दी गई, ये बाबा की ज़मीनें जो हैं बाबा शाह मुसाफिर की 1740-40 की हैं, तो 1735 में 30 पाउंड लंदन का, आज 30 पाउंड आज उसकी क्या वैल्यू है, तो निकला 2.5 बिलियन पाउंड 2.5 बिलियन पाउंड। वो जायदाद जो उसके 5 साल बाद दी गई, आज उसकी क्या वैल्यू है, 0। यानी जिनसे सामने किराया आ सकता है, आप कह सकते हैं सरकार आपको कोई भिखारी है, आप आगे बढ़ गए किराया भी दीजिए, उनसे किराया नहीं लिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। वीरान शहीद गुमशुदा मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, आस्थाने, आशूर खाने व दीगर वक्फ इमलाक की हिफाजत के लिए हमारी जिम्मेदारियां क्या है, इस ताल्लुक़ से मैं उवैस बिन आमिर मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब राशिद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस ताल्लुक़ से हमारी रहबरी करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने मौजू सुन चुके कि औरंगाबाद शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा मसाजिद जो आबाद है, रिकॉर्ड के मुताबिक 17 से ज़्यादा गैर आबाद है, 4 शहीद है और 2 गुमशुदा है। तो जो गैर आबाद है, शहीद है, गुमशुदा है, इसको हम आबाद कैसे करें, ये हमारी फ़िक्र होना चाहिए अपने शहर से। आने वाले लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हैदराबाद से है, कोई पूना से है, सब तरफ, मगर ज़िम्मेदारी यह है कि आज ये पहली मीटिंग, ये पहला प्रोग्राम औरंगाबाद शहर में हो रहा है और औरंगाबाद शहर की खासियत तारीख़ी एतबार से भी है, सियासी एतबार से भी है, मज़हबी एतबार से, तो उसमें यह है कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट का वक्फ बोर्ड औरंगाबाद में है, पूरे महाराष्ट्र स्टेट का वक्फ ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ की मसाजिद, ईदगाह, कब्रस्तान, मुस्लिम धार्मिक स्थल, वो जो पूछी जाती है, तो जब तक हम उसका तहफ़ नहीं करेंगे, यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उसका तहफ़ नहीं होगा। सिर्फ तहफ़ का नारा लगाने से या तहफ़ के बारे में बातें करने से, मीटिंग लेने से, छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम करने से नहीं होगा। जैसे कुछ देर पहले सैयद ज़ाकिर अली साहब ने ये क़ानूनी दावपेश अपने तौर पर बताए, तो मैं अपने तौर पर यही भी कहूँगा कि कुछ मसल्स पावर कभी इस्तेमाल करें, कागजी कार्रवाई अपनी जगह चलेंगी फलन, क्योंकि आज 400-500 साल पुराने मैटर्स को उठाया जा रहा। एक फ़लानी आपकी बाबरी मस्जिद पिटीशन के मामले में जो शर्मनाक वाक़या हो चुका, अब वो सेम रिपीट ज्ञानवापी के मामले में हो रहा है। तो क्या हम अपने शहर से एक नई तहरीक लेकर अपनी मसाजिदों को जो आबाद है वहाँ से गैर आबाद को, शहीद को और गुमशुदा को आबाद क्यों नहीं कर सकते? जब तक हम अल्लाह के घरों को आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह आपके और मेरे घरों को आबाद नहीं करेगा, वफ की मिल्कियत नहीं बचेंगी, लोगों का घर नहीं बसेंगा, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी नहीं होंगी। हर शख्स, हर आदमी अपनी जमात, अपनी एनजीओ, अपने मतलब फिकर और अपने मसलक के तहत जुड़ा हुआ है, मगर मकसद के तहत कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो मेरा
आप सबसे गुजारिश एक रिक्वेस्ट के तौर पर यह है कि चाहे फिर वो सियासी पार्टी हो, चाहे वो मजहबी ग्रुप हो, चाहे वो मिली तंजीमें हो या एनजीओ, हर एक अफराद एक मस्जिद की जिम्मेदारी ले अपने शहर, अपने एरिया, अपने गट से, अपने वार्ड की शक्ल में एक बंदा खड़े हो, 11 लोगों की कमेटी बनाए, अपने नज़दीक की एरिया की वो जो गुमशुदा है, शहीद है, मिसिंग की शक्ल में है या वीरान की शक्ल में, उसकी ज़िम्मेदारी ले, उसको आबाद करे। वो चीज़ आपके हाथ पर मजबूत होते हैं तो आप उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ पर काम कीजिए, खुली ज़मीनात के मामले में काम कीजिए। वो लोग जो ऑलरेडी वक्फ की ज़मीन पर बैठे हुए हैं वो उसको रेगुलाइज कैसा करें, जो मांगना चाहते हैं उसके लिए भी लोग आए हुए हैं, लीगल एडवाइस बताएंगे, सब करेंगे। तो कहने का कुल मकसद ये है कि वक्फ मिल्कियत के बारे में बातें अपनी जगह है, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। तो कानूनी दाव पेश अपनी जगह और प्रैक्टिकल अपनी जगह। तो आप सभी से मैं माजरा खा हूँ कि मैं ज़्यादा स्पीकिंग वगैरह नहीं कर सकता, तो जितना मुझे इल्म था मैं वो बता चुका। बाकी दाखिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद में अंसारी साहब ने भी, जो औरंगाबाद के मशहूर पत्रकार है, कुछ अपनी बातें रखी है, उसके ऊपर भी गौर फिक्र होगा। सैयद एडवोकेट सैयद मुश्ताक अहमद साहब, वक्त की कमी है लेकिन इनको भी हम एक दो मिनट में सुन लेते हैं। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। ये जो जलसा मुनाकिद हुआ माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है। सबसे अहम मसला ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो यह है कि एक शख्स अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है और उसके खिलाफ़ अगर कोई इनफरादी तौर पर उसके खिलाफ जाता है तो वो मामला एक आपसी दुश्मनी हो जाती है। तो लिहाजा मैं सबसे अहम मशवरा ये दिलाना चाहूँगा कि हर ज़िला या शहर सतर के ऊपर मालमत्ता सुरक्षा अभियान ट्रस्ट कायम किया जाए, जिसके अंदर अच्छे से अच्छे ज़िम्मेदार लोग, जिसमें ना कोई पार्टी वालों का ताल्लुक़ हो, ना किसी जमात वालों का ताल्लुक़ हो, ना कोई फ़िरका वाले का। तो ये ट्रस्ट जिस वक्त कायम होगा तो हम इज्तिमाई तौर पर प्रॉपर्टी को सेफ करने के लिए अच्छी तरह से रिट पिटीशन, जूनियर कोर्ट, सीनियर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, व्हाटएवर या ट्रिब्यूनल है, तो वहाँ पर हम पहुँच सकेंगे। एक्चुअली बेसिकली तौर पे ये देखा गया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद की केस नॉन अपीलेबल थी, लेकिन अब वो जो अमेंडमेंट करने जा रहा है तो वो तो अपीलेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी रहेगी या और भी कुछ रहेगी। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि हर शहर के अंदर एक ट्रस्ट कायम हो और उस ट्रस्ट का रियासती सतह के ऊपर फेडरेशन हो, फिर रियासती तौर से वो फेडरेशन एक बड़ा फेडरेशन इंडिया लेवल पर बन सकता है इंशाल्लाह। 1995 एक्ट क्या है? 1991 वर्शिप एक्ट, वक्फ ऑलवेज वक्फ, सुप्रीम कोर्ट का जामिया फैसला, वक्फ इमलाक की हिफाजत और इसके मतलूबा कागजात की तकमील किस तरह करें, इस ताल्लुक से पूना से तशरीफ लाए हमारे ख़ास मेहमान जनाब सलीमुल्लाह साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि वो रहबरी फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। मौजूदा औरंगाबाद में आज वफ के प्रोटेक्ट के लिए जो जलसा मुकम्मल किया गया है तो हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम जो अपने राशिद साहब कर रहे हैं तो उनकी तारीफ करना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज बनता है, क्योंकि ऐसे नौजवान जब आगे आएंगे जब ही जाकर वफ के सिलसिले में काम होता रहेगा। अभी वफ कहने के लिए सबके नौजवान पे वक्फ है, वक्फ है, वक्फ है, लेकिन उसकी वजह क्या है, क्यों बनना, किस लिए बनना, किसी को कुछ पता नहीं। सब कहते हैं वक्फ है, हमारी प्रॉपर्टी है, एकड़ों से, लाखों से है, हज़ारों से है, लेकिन किस लिए है, किसके लिए है, इसके बारे में हमें लोगों तक अभी पहुँचाया नहीं। चंद लोग जानते हैं जो उसका बेनिफिट उठाते हैं आज के टाइम में, और उन्होंने पूरे कम्युनिटी को गुमराह कर दिया है, वो है मुतवल्ली और वर्क बोर्ड। हमें इस बात की कोई भी अफसोस नहीं है। मुतवल्ली का मतलब क्या है? ट्रस्ट, भरोसा था इसलिए आपको मुतवल्ली बनाया गया, लेकिन उस भरोसे को पूरा आप लोगों जिन लोगों ने तोड़ा है, 90% लोगों ने तोड़ा है ये मुतवल्ली। तो मुतवल्ली है एज ए नौकर, जब तक हम इनको कहेंगे नौकर
और हकीकत में वो नौकर है। हमें कहना पड़ेगा मुतोली लफ्ज का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए हमें वो वक्त आ गया कि ये लोग नौकर है और नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता, और ये बता रहे कि हम मालिक है। ये आम आदमी के दिमाग में बैठना चाहिए कि ये मुतवली हमारा नौकर है और मालिक जो है वो आम आदमी। तो ये सबसे बड़े हमारे दिमागों में जो निगेटिविटी बैठी ली है, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं। वो ट्रस्टियों का ताल्लुकात है, मस्जिद का ताल्लुक मस्जिद के लोगों से, दरगाह का है, कब्रिस्तान का है। लेकिन आपने 1995 एक्ट जो है उसके अंदर साफ लफ्जों में कहा है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान हर मस्जिद कब्रिस्तान दरगाह के बारे में ख्याल रख सकता है, सवाल कर सकता है। ये हर मुसलमान को हक दिया गया है कानून ने, उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो इसके लिए जो नौजवान है आज के टाइम में सोशल मीडिया है, डिजिटल ज़माना आ गया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का इतना बड़ा मसला नहीं है जो पुराने ज़माने होते। मामला ये हो गया कि हमारे वर्क प्रॉपर्टी के दस्तावेज किस तरीके से मैन्यूपुलेट किए गए। सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने लिखना पढ़ना छोड़ दिए, तो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो वक्फ के मामलात में यही है, हमारा वक्फ बोर्ड है, हुकूमत ने इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सल्तनत बना के दी हर स्टेट के लिए मुसलमानों के लिए, जाओ हुकूमत करो, वक्फ बोर्ड बना दिया और अपने कम्युनिटी के लिए अपने आवाम के लिए कुछ तरक्की का रास्ता अपनाओ। लेकिन 2002 से जब बोर्ड बना, तरक्की तो छोड़ो दूर, उस प्रॉपर्टी को खुर्दबुद करने में लगे है वक्फ बोर्ड। अल्लाह के करम से इस वक्त सिर्फ वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर है। ये बड़ी अपनी खुशी की बात है कि वर्क बोर्ड बनने से आज तारीख में कभी भी 10 वर्क बोर्ड के मेंबर नहीं थे, 3-4 वर्क बोर्ड मेंबर से काम चलाया जाता था। और जो भी मेंबर उस वक्त थे, हो सकता है उसमें अच्छे भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसको बेचने का काम किया। अगर कोई कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो हम अपने सबूत के साथ आप लोगों के सामने दे देंगे कि किस लोगों ने किस तरीके से NOC देने का काम किया। उसके वजह ये थी कि हमारे दस्तावेज सही ढंग से हमने वर्क बोर्ड में नहीं रखे। दूसरी एक वजह थी कि हमारे मुतोलियों को उसी में से कोई हिस्सा चाहिए था, जो हिस्सा यतीम गरीब बेवों को था वो हिस्सा उन्होंने छीन के लिए। इसीलिए हमें ये फाइट करना चाहिए, और आशीष साहब जो औरंगाबाद में शुरू किया है उसके लिए आपने अपना वक्त देना चाहिए। वो तो आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ उनको आपको एक मॉरल सपोर्ट, सबसे बड़ी बात है कि वक्त नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कि मॉरल सपोर्ट भी इंसान को जब दिया जाता है तो इंसान काम करने में की उम्मीद बढ़ जाती। तो मैं अभी खासतौर पर आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है अपने महाराष्ट्र में। सबसे दिक्कत की बात है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ने 2016 में एक GR आ गया, 4 अप्रैल 2016 में, जितने वर्क प्रॉपर्टी उसके ऊपर वर्क प्रतिबंधित 70 प्रकार लगाने। अब इसके मायने क्या है कि जो प्रॉपर्टी जिस वर्क ट्रस्ट के नाम पे है उसपे से मुतवली के नाम हटा दो। होता है कि मुतवली के नाम रहने से प्रॉपर्टी के ऊपर मुतवली उसको बेचने की और कोशिश करता था, लीज पे देने की कोशिश करता था ट्रस्ट का नाम रहते हुए। इसलिए सिर्फ उस ट्रस्ट का नाम आना चाहिए और उसके ऊपर रिमार्क आना चाहिए वक्फ प्रतिबंधित 70 प्रकार। जब भी अभी ऑनलाइन है, जब भी वो कोई उसको किराए पे देना है, खरीद फरोख करना है, तो रेड लाइन आ जाती तो होता नहीं। तो हमारा पहला काम है कि हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ प्रतिबंधित 70 प्रकार आया ही नहीं आया। अगर नहीं आया तो आके तहसीलदार को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाकर इसको 2016 का GR लगाकर दिखाना कि हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ प्रतिबंधी 70 प्रकार में, जब जाके हमारी प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पे कानूनन बच जाती, बेच नहीं सकता इंसान। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, पश्चिम महाराष्ट्र में चैरिटी कमीशन था, अभी मराठवाड़े में क्या था, चैरिटी कमीशन था। 1952 का BPT एक्ट, 50 का BPT एक्ट के तहत हर मस्जिदों की दरगाह की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी के अंदर शेड्यूल बना, जितनी उस जमाने में थी उस प्रॉपर्टी का शेड्यूल उसी के अंदर आ गया। उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर भी अपनी वर्क प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद वर्क बोर्ड आया,
तो जितना बीपीटी एक्चुअलिटी कमीशन में बी के नंबर के जितने भी ट्रस्ट थे पूरे मुकम्मल चले गए वक्फ बोर्ड के अंदर 2002 में। तो वक्फ बोर्ड को वही शेड्यूल वक्फ बोर्ड के अंदर है, लेकिन वो शेड्यूल और आज का रेवेन्यू रिकॉर्ड इसमें जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला है। उसी फासले को रेवेन्यू रिकॉर्ड पे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में अगर आपकी प्रॉपर्टी का पूरा शेड्यूल है वही रिकॉर्ड आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में चाहिए, जैसे 712 पे चाहिए, सिटी सर्वे पे चाहिए, जब जाकर आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह मुकम्मल सिक्योर हो जाती। आज के तारीख में वक्फ बोर्ड में है लेकिन शेड्यूल पे नहीं है, रेवेन्यू में नहीं है। 712 निकालते तो अलग चीज़ आती। अभी उसके बाद एलिनेशन रिकॉर्ड गए जिसको इनाम कमीशन बनाया ब्रिटिश को गवर्नमेंट ने उस वक्त, तो उसका रिकॉर्ड जो उसके ऊपर जितना भी इनाम प्रॉपर्टी है पूरी इंडिया की, खासतौर महाराष्ट्र की तो बहुत है एलिनेशन में, तो उसके ऊपर मुकम्मल लिखा हुआ है किस मस्जिद के लिए कितनी प्रॉपर्टी, दरगाह के लिए कितनी। उसके मैनेजर, देखिए उसमें खास वर्ड लिखा है मैनेजर, वो मैनेजर ये वर्ड इसलिए लिखा है कि वो मुतवली थे, लेकिन वो मैनेजर को हटा के उस जिसका नाम था उसको मालिक बनाने की कोशिश की ले पूरी। मुंतकी नामा जो है इधर मराठवाड़े में मुंतकी नामा बोलते हैं ना उसको, हाँ मुंतलो, उसको एलिनेशन, उधर एलिनेशन बोला जाता है। तो उसके अंदर मैनेजर जो वर्ड है वो मैनेजर वर्ड मतलब नौकर, लेकिन हम अरे लोग क्या कह रहे हैं हमारे बाप दादा, ये हमें समझने की जरूरत है। ये लीगल बातें हैं जो हम समझ नहीं पाए आज तक। उसके बाद बना हमारा 712 एलिनेशन के ऊपर से 712 बना, लेकिन 712 में भी लोगों ने हमारे लोगों को रेवेन्यू के बारे में नॉलेज नहीं है, वो आपको सीखना पड़ेगा। 712 किसे कहते हैं, 8 अ किसको कहते हैं, गांव नकाशा किसको कहते हैं, ये चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम समझ सकें वो कागज़ पे क्या लिखा है। एलिनेशन पे और एक क्लॉज है जिसके ऊपर लिखा है, अब मोस्टली चलता है कि दरगाह के बारे में हेरिडिटरी, तो दरगाह हेरिडिटरी हो नहीं सकती क्योंकि दरगाह जो बनी जिसको बादशाहों ने इनाम दिया वो इनाम उस दरगाह के लिए दिया ना कि उस मुतवली को दिया। तो एलिनेशन में क्लॉज है 8 नंबर का, उसके ऊपर लिखा है परमानेंट फॉर सम टाइम फॉर लाइफ टाइम और हेरिडिटरी, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उस एलिनेशन के नीचे लिखा रहता है कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। लेकिन हमारे चैरिटी कमीशन में लोगों ने उनको गुमराह किया, ऊपर के क्लॉज में से अपने को जो सूटेबल है वो क्लॉज डाल दिया और चैरिटी कमीशन में उसको हेरिडिटरी बना दिया। तो ये बुनियादी चीज़ें जो है हमें वफ के ऊपर अगर काम करना है तो हमारे तहसीलदार, तलाटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनका इनके पीछे लगना है आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, उसी रिकॉर्ड को एज इट इज़ मेंटेन करने के लिए वक्फ बोर्ड को करना है। अभी वक्फ बोर्ड के बारे में तो जो लोगों में ख्याल है कि ना जाए उधर, ये जो हो गए, लेकिन मजबूरी अपनी ये है कि हमें जाना पड़ेगा। हमें ना जाना कहकर लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, जो हो बीता भूल जाना है, आने वाले वक्त में हम अच्छा क्या कर सकते हैं सोचना है, क्रिटिसिज्म करना बंद करना है, किसने क्या किया उसने क्या किया फलाना नहीं, हम क्या कर सकते जितना हो सकता है हम क्या कर सकते, हमें ये नहीं सोचना है कि इसने क्या किया और उसका क्या हुआ। हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिव में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जब पॉजिटिव सोचेंगे तो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर इस तरीके से आप चलोगे और सभी में से एक अपने गली मोहल्ले की मस्जिद, दरगाह, जो प्रॉपर्टी कब्रस्तान, यतीम खाना, असुर, जो एक प्रॉपर्टी पे काम कीजिए, भले सिटी के अंदर हजारों प्रॉपर्टी है लेकिन आप अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए। पूरे औरंगाबाद में क्या हो रहा है मध्य की देखो, सिर्फ अपने मोहल्ले में एक अगर मस्जिद है, दरगाह, तो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड इकट्ठा कीजिए ताकि आपको खुद को पता, और उसी मोहल्ले में उसी मस्जिद के ट्रस्टी को सवाल पूछो आप क्या कर रहे, अगर उसकी प्रॉपर्टी इतनी है तो उसकी दुकान है तो उसका क्या हो रहा। हमें अपना सवाल करना शुरू करना चाहिए, हम सवाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ किस्सा गोई कर रहे। तो जब जाकर हमारे नौजवान उनको सवाल करेंगे जब जाकर ये समझ में आएगा, और जब जाकर हम जो जागृति अभियान जो कर रहे उसको एक मजबूती आ जाएगी। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, वो अपनी जगह हो रहा है, वहाँ के लोग हल करेंगे, हम अपनी जगह से हल करना शुरू करेंगे।
औरंगाबाद से शुरू हो जाएगा, अहमदनगर पहुंचेगा, बीड पहुंचेगा, पूना पहुंचेगा, इस तरह से कारवा बढ़ता जाएगा। लेकिन बॉम्बे, हम भी बॉम्बे की फिक्र करेंगे और हम पूना से औरंगाबाद भी फिक्र करेंगे, कोई मतलब नहीं। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में सबसे बड़ा आपका ख्याल ये देना चाहिए कि आपने आपके जो दस्तावेज है उसमें जो भी गड़बड़ी की है उस 7-12 आज के टाइम में क्लास 1 है, भूगोलोदार वर्ग एक ही हो रहेगा, लेकिन 50 साल पहले क्लास 3 है। तो हमें फेरपार निकालना है, फेरपार पुराना फेरपार जब निकलेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि वो किस वजह से क्लास 1 हो गया या क्लास भूगोलोदार एक हो गया। तो टोटली फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है वो। आज के तारीख में हमारे पास सबूत है उस बात का कि 35 साल प्रॉपर्टी बिकती गई 46 एकड़, जब हमने पूरे दस्तावेज सबमिट किए तो वहाँ का तलाटी लीडर देता है कि जितने ट्रांजेक्शन हुआ है वो इनलीगल हुआ है, इसलिए उसको तहसीलदार ऑर्डर देता है कि ये प्रॉपर्टी वो इनाम वर्ग 3 है। कोई जुडिशरी नहीं, कोई अदालत में नहीं गए, हम सिर्फ अपने प्रोसीजर को सही ढंग से अपना कर स्टडी करवा के उसको उनके सामने पेश किया कि ये प्रॉपर्टी 1950 में अगर इनाम वर्ग 3 है तो आज 1 कैसे हुए, ताकि वो रिपोर्ट जब आपके पास आएगा, जब रिपोर्ट आएगा तो आप उस रिपोर्ट के बुनियाद पे उसी कलेक्टर को उसी तहसीलदार को मजबूरन कानून के तहत वो प्रॉपर्टी को दोबारा इनाम वर्ग 3 करना चाहिए। आज लीगली मैटर्स जो है चल रहे, ट्राइब्यूनल है अपना, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और औरंगाबाद के जितने भी लीगल लोग है 90% लोग हम यकीन नहीं रखते, फैक्ट बताता हूँ, बुरा मतलब मान लीजिए कारोबार बना के रखा है इन लोगों ने, पूरे मुसलमानों के ट्रस्टियों को उल्लू बना के रखते हैं। जो कि मामले तुम्हारे हल तहसीलदार में होते, वर्क बोर्ड में होते, उसको अदालत में जाकर पेंडिंग करने का और पेंडिंग करके उसका बेनिफिट उठाने, यही काम चल रहा है। अदालत का मामला जब पूरे दस्तावेज आपके पास आएंगे उसके बाद हम उसको साबित कर पाएंगे कि भाई यह प्रॉपर्टी ना वर्क प्रॉपर्टी है। उसके पहले वकीलों की राय ही मत लो जब तक दस्तावेज इकट्ठा नहीं होते, और खुद स्टडी करो, खुद को पता चलेगा कि ये 100% वर्क प्रॉपर्टी है तो आपको किसी को सामने पेश करने से दिल गवा देना चाहिए कि 100% वर्क प्रॉपर्टी, मैं इसके लिए लड़ लूँगा जरूर, और अल्लाह ताला उसमें कामयाबी जरूर देगा। और ये हकीकत में हुआ है, हमें गुमराह करने की हर डायरेक्शन में गुमराह किया है, वर्क बोर्ड ने गुमराह किया है, लीगल ने गुमराह किया है, उसके बाद ट्राइब्यूनल ने गुमराह किया है। हमें तो यकीन ही नहीं है इन लोगों पर ये हाल हो गया। तो हमें अपना काम जो है हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये पक्की बात है। एग्जाम्पल मैं ये कहूँगा कि हुआ है यही कि कोई चीज़ है पुरानी, एक मटका है तांबा पीतल सोनी का जिसका रहेगा, पुरखों ने खरीदा, उसकी एक रसीद है हमारे पास और हम कहते हैं ये सोने का है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें कौन, हम जाते हैं अदालत में इसको सोने का साबित करो। हम क्यों साबित करेंगे सोने का, वो हम तो कहेंगे कि ये सोने का है, हमारे पास रसीद है, जिसको कहना है कि सोने का नहीं उसने साबित करना कि सोने का नहीं। हमें उल्टा कर रहे हैं कि हमें अदालत में जाना पड़ रहा है कि हमारी वो प्रॉपर्टी है, जो इसको वो प्रॉपर्टी नहीं कहते उन्होंने अदालत में जाना चाहिए। हमारा वो बोर्ड भी यही करता है कि तो आप अदालत में जाओ, हम क्यों जाए जब हमारे पास दस्तावेज है सब कुछ है, हम तो कहेंगे वक्फ है, जो इसको नकार रहा वो जाए अदालत में। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ें, क्योंकि वक्त कम है और ये इशू जो है इतना बड़ा है कि 1-2 घंटे की बात की तो कम नहीं हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हम इस रशीद साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे, औरंगाबाद में वक्त बोर्ड है, हमारे तरफ से हम एक डिमांड रखेंगे इस वक्फ बोर्ड को मौजूदा, जिस तरीके से बेंगलोर में एक शेख साहब ने हमारे से डिस्कस हुआ था इस बात पे, जिस तरीके से फॉरेस्ट में पुलिस है, फॉरेस्ट की पुलिस रहती, कॉरपोरेशन में पुलिस रहती, प्राइवेट मतलब उनके डिपार्टमेंट के तहत पुलिस, उस तरीके से क्यों ना एक पुलिस की टीम वक्फ बोर्ड की बनी जाए लीगली। जब जाके जिधर इंक्रोचमेंट होता है वो इंक्रोचमेंट के लिए वो रोक सके, हम तुम रोकने के बजाय वो खुद वर्क बोर्ड की पुलिस वा रहे। तो इस तरीके का अगर हम एक कदम उठाएंगे, वर्क बोर्ड को एक हम अपना अर्जी देंगे कि अपने महाराष्ट्र के लिए एक टीम बने, पुलिस टीम वक्फ के मायने में। आज वो RW आता, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आता, जो मर्जियाई करता है चलता है, लेकिन उसके ऊपर ये एक पुलिसिंग रहेंगी वर्क बोर्ड की,
दूसरी बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट बॉडी बननी चाहिए, इसका प्रेशराइज हमें करना पड़ेगा वर्क बोर्ड के ऊपर। ये जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट जब तक उस पर नहीं आएगी, जब तक उसको दिलचस्पी नहीं पैदा होगी, दिलचस्पी कब पैदा होगी, उसको बेनिफिट मिलना मामला होना चाहिए। अरे एक आम आदमी बैठे रहे, क्यों हम उसका काम करेंगे? तो उसके फायदे अब तक पहुँचने चाहिए कि ये फायदा अगर आप करते तो ये फायदा हो जाएगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, वॉट एवर जो बनाना है वो बनाएंगे। लेकिन हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आम आदमी को उसकी वफ की तरफ खींचना पड़ेगा। कैसे आएंगे वो लोग? जब उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ दिखेगा कि हमें इसमें से कुछ हासिल हो रहा, तो इस तरीके से राशि साहब अगर हम कुछ करेंगे तो ये, और ये मिशन जो चलेगा पूरे महाराष्ट्र जब चलेगा, तो उस वक्त ये वर्क बोर्ड करेगा। और वर्क बोर्ड को हमें कहना है कि वर्क बोर्ड आप भी बैठे ले, आप भी नौकर है, आप भी नौकर है, साहब है, रिस्पेक्ट है, चेयर का है, लेकिन आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो चेयर लोगों की खिदमत के लिए बैठे ने। वर्क बोर्ड में जाकर ऐसा महसूस होता है कि हम उजरी में और वो हमारे फैसला करने बैठे, यही आम लोगों की हालत है। कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्यों आ रहा है, उनको लग रहा है कि खुद के लिए आ रहा है, मस्जिद का चंदा इकट्ठा करके लेके काम करने का और इन्हीं को देने का। कोई ऑडिट नहीं देता है, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, प्रॉपर्टी का कुछ होता है कुछ पता नहीं, एक लेटर का जब RTI जवाब नहीं देंगे, अपील में जाएंगे जवाब नहीं देंगे। तो ये जो मिशन है हमें सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और ग्राउंड पे उतरते वक्त उनके पीछे लगना पड़ेगा, उनको उनकी हैसियत दिखाना पड़ेगी। मैं तो साफ लोग कहूँगा कि हैसियत दिखा, अल्लाह के करम से मैं नवाब मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहली बार वर्क बोर्ड के अंदर 10 मेंबर की अपॉइंटमेंट की ले। और आज के तारीख में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फौजिया खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर वजातर मिर्जा, ऐसे बेहतरीन मेंबर अभी आज के तारीख में मौजूद है वर्क बोर्ड में। तो हमें उसी का उनके तरफ से अपना काम कैसा होता है ये देख के लेना चाहिए। बस मैं अभी इतना ही कहता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को भी कुछ कहना है। तो राशि साहब आप इस काम को जारी रखिए, जब भी आवाज़ देंगे हमारे पुणे की टीम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहम्मद एहतिशामुद्दीन जो औरंगाबाद से है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। इस जलसे के सदर जनाब खान साहब और डायस पे बैठे तमाम हजरात और हाजरीन, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक दो मिनट में अपनी बात कहूँगा। वैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस 40 साल की कंप्लीट की है, जिसमें मैं 8-10 साल जो है सो वक्फ बोर्ड के पैनल पर भी था, तो वक्फ बोर्ड के तमाम हालात से मैं वाकिफ हूँ। मैं वक्फ का एडवोकेट होता और जब वो फाइल कोर्ट के सामने निकलती थी, कोर्ट का भाई आपके तो आप तो वक्फ के वकील हैं और आप बतलाइए आपके फाइल और आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे होने में। होता ये था कि वहाँ के स्टाफ के लोग उस फाइल को दबा देते थे, वो पार्टीज होते हैं वो जाकर उनको मिलते थे और उनका हाथ गर्म करता और वो लोग दबा देना था, जिसकी वजह से वो केस हम हार जाते थे वक्फ बोर्ड के वकील होने के बावजूद, जबकि वो प्रॉपर्टी वक्फ की ही होती थी। तो ऐसे कई वजूहत हैं, तो वक्फ बोर्ड के भी तमाम मालूमात हैं। और मुझे हमारे एडवोकेट अली साहब ने कहा कि भाई ऐसा सा ये प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं और कुछ कमेटी बनाई जा रही है और आप सीनियर वकील हैं, इसलिए मैंने आपका नाम भी दिया है पैनल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, हम तो पहले से ही ये चाहते थे। और अभी तो मैंने वक्फ के पैनल से भी मैं निकल चुका हूँ, मैंने खुद छोड़ दिया हूँ, रिज़ाइन किया हूँ, क्योंकि वो लोग प्रॉपर कोऑपरेट करते नहीं थे। और यहाँ पर समर्थ नगर में एक मस्जिद थी, जिस पर वो समर्थ नगर कॉलोनी, वो पूरा 5 एकड़ का एरिया था, पूरे प्लॉटिंग होकर पूरे गैर मुस्लिम थे और मस्जिद भी बंद थी। इत्तेफाक से वो कोर्ट वक्फ बोर्ड वालों ने मुझे ही दिए थे, मैं पैनल पर था। और जो कोर्ट के सामने बैठ रहा था, जब उन्होंने क्या किया कि अपनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समर्थ नगर बनाया और उसके मंदिर मंदिरासाठी ठेवलेली जागा ओपन स्पेस है ऐसा बताया, और रिकॉर्ड पर भी वही था PR कार्ड। लेकिन जब कोर्ट के सामने मैटर आया, एक्चुअली मैटर PR कार्ड को चैलेंज किया था हमने, वो था सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड के सामने बैठा डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो कहा कि उसने कहा वो SLR का जो भी ऑफिसर था
ये तो बात ऐसी हो गई कि ये तो बाबरी मस्जिद की जैसी बात हो रही। मैंने कहा था बिल्कुल अब यहाँ पर एक ही काम करना है, कोर्ट ने खुद विजिट करना चाहिए, स्पॉट है, व्हाट इज देयर, यू सी एक्चुअली व्हाट इज देयर। अगर मस्जिद है तो ठीक है, अगर हम मस्जिद नहीं है तो मैं आप अपनी केस विड्रॉ कर लूँगा, लेकिन वो देखने के बाद मैटर डिसाइड होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो समर्थ नगर की कॉलोनी है वहाँ के शॉप के लोग जाते हैं, सब नमाज अदा करते हैं, उसकी तौसीक करने के भी चल रहा है, क्योंकि आजू बाजू में चार मकान अपने ही मुस्लिम लोगों की, और उस मकान की वजह से मस्जिद बची, वह बाकी पूरे जो है सो 3 एकड़ पर पूरे गैर मुस्लिम लोग हैं, और सब एजुकेटेड डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए आला तबके के लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन वो मस्जिद बच गई, अल्लाह ने बचाया और हमने वो केस लड़े बचाया, और उसमें तौसी करने का भी काम जारी। अब जैसे कि जाना हमने कहा कि मुतवली की जो डेफिनेशन है वो वक्फ एक्ट के अंदर भी दी हुई है, मुतवली ही इज़ द ओनली मैनेजर, जैसे कि एक होटल का है या कोई दुकान का है कंपनी का, ही हैव टू वर्क फॉर दैट, अगर वो करने का उसको निकाल के भी फेंक सकते। अब यहाँ एक जनाब ने कहा कि भाई हेरिडिटरी मुतवली, फैक्ट है वो हेरिडिटरी, मतलब सिलसिले से जो सिंस द बिगिनिंग जो निज़ाम हुकूमत ने निज़ाम के टाइम में उस टाइम में डॉक्यूमेंट बना के दिया, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज ए मुंतखब, अपने पास जो मराठवाड़े के अंदर है जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट है मुंतखब, और मुंतखब में नाम दिया जाता है, उसके बाद उसके सिलसिले से जो है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटरी मुतवली। अब उसके अंदर इफ़ ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली ही कैन बी रिमूव, इट इज़ द फैक्ट, और ऐसा हुआ भी है, हमने किया भी है। और लोग क्या करते थे प्रॉपर्टी में, जैसे वहाँ पे कहा पहानी अपने बाद महाराष्ट्र में महा 7 बार है, वो डॉक्यूमेंट पे जो होता है नाम पहले जो है सो मुतवल्ली का लिखा जाता था फर्स्ट कॉलम में एज ए ओनर, और बाद में अदर साइड कॉलम जो था उसमें जो है सो दरगाह का या मस्जिद का नाम लिखा जाता, लेकिन 1975 में अपने डिविजनल कमिश्नर जो औरंगाबाद के, उन्होंने एक डिसीजन लेकर उन्होंने जो है सो एक जो है सो रेजोल्यूशन पास किया है, और एक सर्कुलर निकाल के थ्रू आउट मराठवाड़ा 8 जिलों के लिए, और उसके बाद से जो है सो जो नामा जो थी मुतवली की उसको ओनरशिप से निकाला गया है, और उनको अदर राइट्स कॉलम में डाला गया है, और यहाँ पर मस्जिद या दरगाह जो भी इंस्टीट्यूट है आपका उसका नाम लिखा गया। तो इसमें है इंशाल्लाह हम भी आपको काफ़ी मदद करेंगे कानूनी एतबार से, और अपने बोलने का जो मौका दिया इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, थैंक यू। आगे जो है हमारा टॉपिक दूसरा आ रहा है, जिन वक्फ इमलाक पर लोग बैठे हुए हैं और वो बार बार वक्फ बोर्ड के किराएदार यानी नजूलदार बनने के लिए कोशा है, इनकी दाद व फरियाद सुनने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार नहीं, वो क्या करे, इसके लिए कानूनी रास्ता क्या है। मैं एडवोकेट शकील साहब हैदराबाद से गुजारिश करूंगा कि इस ताल्लुक से वो रहबरी फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डायस पे मौजूद जनाब हमारे सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब, जनाब उस्मान अल हाजरी साहब, सलीमुल्ला साहब, अशफाक साहब और मेरे मौजूद भाई, आज ये जो इजलास बुलाया गया है वक्फ के मुतालिक, अब जैसा कि अभी मैं सुन रहा था हमारे जनाब सलीमुल्ला साहब को, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई वक्फ अराजी को किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, उसका कैसे तहफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ बातों पे सिर्फ पार्शली अग्री करता हूँ। अब जैसा कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई वक्फ जायदादों का तहफ़ कैसे हो, हमारे अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि भाई लीगल बैटल इज़ डिफरेंट और प्रैक्टिकल इज़ डिफरेंट। तो मैं फिर सलीमुल्लाह साहब को कोट करना चाहूँगा और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमको सबसे पहले जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूकता, चेतना, ये सारी चीज़ें जो है हमको वक्फ बोर्ड अराजी वक्फ अमलात को उसकी तहफ़ और उसका सही इस्तेमाल करने में हमको जो है एक लाहे अमल हम उसका तैयार कर सकेंगे। जब तक के हम जागरूक नहीं होंगे, हम मौकफ़ नहीं होंगे हालात से और
क्या क्या चीज़ें हमारे वक्फ बोर्ड में हैं, और जैसा बता रहे थे कि भाई 7-12 अब हम, मैं चूँकि तेलंगाना से आता हूँ, तेलंगाना में हमें उस अलग ज़बान में कहते हैं पहानी वगैरह, तो मुख्तलिफ अलग अलग थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन वक्फ जो है पूरे हमारे मुल्क में एक ही कानून है वक्फ का, जिस तरीके से यहाँ बताया गया है, वक्फ एक्ट जो बना है 1995 में। और वक्फ बोर्ड जो है वक्फ आराजियों का तहफ़ ही नहीं बल्कि वक्फ का पूरा निज़ाम किस तरीके से चले, ये सारी चीज़ें उस कानून में लिखी गई हैं, जो कब्रस्तान है और ईदगाह की इर्द गिर्द जो जायदादें हों और अपने मसाजिद के इर्द गिर्द जो जायदादें हों, ये सारी चीज़ें जो है हम अगर जब तक जानेंगे नहीं, अभी कह रहे थे कि गैर आबाद मस्जिद को हमको आबाद करना है, तो हम कहीं ना कहीं हम जो है छूट रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं कि ये आबाद किस वजह से जो है ये गैर आबाद है, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम हमारी ज़िम्मेदारी को जो है सही निभा नहीं रहे। अब जैसा कि आईन में हमको कुछ हकूक दिए गए हैं, तो वो आईन के हिसाब से जो है हम उस हकूक का इस्तेमाल खासकर हमारी कम्युनिटी कर नहीं पा रही है, और बाद में ये देखा जाता है कि भाई हम कोसते हैं कि ऐसा हो रहा है, फला हो रहा है, फला हो रहा है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के ताल्लुक से भी जिस तरीके से 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो होने के बावजूद भी जो है कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हम आवाज़ उठाएं, हम बार बार कोर्ट ना जाएं, लेकिन हमको यहाँ का निज़ाम तो यहाँ के आईन में हमारे दस्तूर में जो हमको हुकूक दिए गए हैं उसको जानने की ज़रूरत है। हमारे पास जैसा कि हम हैदराबाद में भी जो अवकाफ़ी जायदादें हैं, मैं मेरे रहबर हैं, मेरे मौजिस, मेरे अमीर जनाब उस्मान अल हाजरी साहब, ये मुसलसल वक्फ़ की जायदादों के तहफ़ के लिए लगे रहते हैं। ऐसा मैं चाहूँगा कि भाई आप भी, चूँकि मैं पहली दफ़ा औरंगाबाद आया हूँ, आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप भी मुसलसल मुतहिद होकर अगर समझे कि काम करना शुरू करें, अवकाफ़ी अराजियों को मतलब उसके ऊपर काम करें, जानने की कोशिश करें और उसका सही इस्तेमाल करें। जैसा कि मुझे यहाँ कहा गया था कि भाई आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ लीज के ऊपर बात करें, वक्फ प्रॉपर्टीज़ लीज जो है 2013 में, जबकि कानून ने एक अमेंडमेंट किया था 56 सेक्शन 56 के तहत के जितने भी अवकाफ़ी अराजी है वो जो 3 साल के लिए दी जाती थी पहले लीज पे, अब 1 से 30 साल के लिए दी जाती है, उसका हिस्सा भी बताया गया है कि भाई इतना 5% अगर कमर्शियल के लिए इतना है तो 5% है, या फिर दूसरे किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके लिए इतना परसेंट है। तो हम हासिल करने की कोशिश करें, हम जो है नुमाइंदगी जो है हमारी हम जो यहाँ के हुक्मरान हैं, यहाँ के जो आला अहदेदार हैं उनके पास जाएं और उनके पास जो है हमारा प्रेजेंटेशन स्टे, ये सारी चीज़ें जो है आप अगर आप करेंगे तो वक्फ खुद ब खुद वक्फ आराजियों का जो है तहफ़ होगा और उसका सही इस्तेमाल भी होगा। अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो लीज़ एक्ट है उसके अंडर में जो है अब सचर कमेटी में भी कहा गया था कि भाई देखिए कि वक्फ जायदादों को तहस नहस किया जा रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वक्फ के जो आराजी वक्फ के जायदादें हैं उनको इनक्रोच कर रहे हैं, तो आपके पास हथियार है, कानून आपके पास है, तो आप कानून का इस्तेमाल करें, जाने पहले कानून क्या है तभी आप उसके बारे में कुछ बोल सकेंगे, कुछ सोच सकेंगे। आप कुछ जानेंगे नहीं और सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई कोई आएगा मसीहा हमारे लिए काम करेगा, तो ये मैं नहीं समझता कि हम हमारे मकसद को हासिल करेंगे। तो मैं यही आप सबको बताना चाहूँगा कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो लीज के जो रूल्स हैं सेक्शन 7, 8, 9 के तहत उसको जाने आप लोग।
मैं बताने से ज़्यादा आप लोग जाने, जो भी अपने वक्फ एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं। और हमारे सलीमुल्लाह साहब ने कहा कि भाई हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमको जब अगर समझिए कि हम कानून को जानते हैं तो हम आला अहदेदार के पास जाएं पहले और उनसे मुतालबा करें कि भाई ये सारी चीज़ें इसको जो है ठीक करें, या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है सही इस्तेमाल करें, उसका नाजायज़ जो फ़ायदा उठा रहे हैं उनको रोकें। सेक्शन 52 के अंदर में जो है हम जैसा कि वहाँ पे FIR कहते हैं, यहाँ पे MC कहते होंगे शायद, हम दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करवाएं। हम जो है जब तक के हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी बस यूँ ही रहेंगी, बस हम बात करते रहेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है इसको आप यहाँ पे जितने हमारी जो गुर्बत है, अगर वक्फ जायदादों का सही इस्तेमाल होगा तो हमारी गुर्बत कम होगी। तो हम जो है वक्फ की जायदादें जो है उसका जो है सही इस्तेमाल करना सीखें। और एक्टिविज़म जो हमारे जो अब्दुलरशीद साहब की बात में आज सुन रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मसाजिद है जो गैर आबाद है, कुछ आबाद है, कुछ लिटिगेशन फला हैं। तो आप सभी यहाँ पे कुछ दानिश्वर हजरात भी होंगे, वो उनका फरीज़ा बनता है कि भाई वो अपने आप में जो है कौम का बीड़ा उठाएं, कौम के लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ हम जो है अपने लिए ही करते रहें, अपने लिए सोचते रहें कि अभी हमारा आज का दिन हो गया। मैं तकरीर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट ए स्पीकर, मैं बता रहा हूँ जो मेरे तजुर्बात हैं। तो कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मेरी बारे में सोचे, मेरा बोलबाला हो, मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसा हो वैसा हो। मैंने सीखा है हमारे उस्मान अल हाजरी साहब से, ये वाहिद शहर हैदराबाद में ये वाहिद शख्स है जो कि मुसलसिल दिन रात जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए लगा रहे। वैसे ही हमारे एक तहरीक मुस्लिम शुबान के जनाब मुश्ताक मलिक साहब हैं, वो भी कौम मिल्लत का काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आप यहाँ पर अगर समझिए कि सब मुत्तहिद हो जाएं, सब आप साथ हो जाएं, सब लाइक माइंडेड, सब अपने इकट्ठा होकर के अगर वक्फ अराजियों को बचाने की कोशिश करें तो मैं नहीं समझता कि भाई कोई दुश्वारी पेश आएगी आप लोग। तो मैं फिर एक बार यही चाहूँगा कि भाई आप लोग सब जागरूक हों। मैं इसी के साथ, मुझे मौका दिया गया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा दूसरा आ रहा है, जिन वक्फ इमलाक पर ज़मीनी माफियाओं का नाजायज़ कब्ज़ा है, इन इमलाक पर से नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए कानूनी रास्ता क्या है। मैं जनाब अशफाक खान साहब वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैदराबाद से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस जलसे के सदर एजे खान साहब और हमारे जो कन्वीनर हैं शहाबुद्दीन साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे बड़े भाई उस्मान अल हाजरी साहब, सलीम साहब और यहाँ पर जो मौजूद मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पर जो आए हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबको मुबारकबाद दूँगा कि जिस टॉपिक पे आज जो मीटिंग जो आप लोग कंडक्ट करें हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, हमारे आज़ादी के बाद से आज तक मतलब बातें होती रहीं लेकिन काम करने की कहीं कहीं पे हुआ, फिर उसके बाद में रुक गया, कहीं कुछ काम हुआ फिर रुक गया, इसी तरीके से चलते रहा। और आज मैं उस्मान भाई से बात हुई थी कि औरंगाबाद में जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो है इजलास जो होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर नौजवान और जो है बड़े हजरात भी हैं जो फिक्रमंद है किस तरीके से कि यहाँ की जो जायदाद है उनका तहफ़ कैसे किया जाए। तो मैं अभी हमारे सलीम साहब की बात भी हुई और हमारे शकील साहब ने भी बहुत सारी बातें जो लीगल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर रखें। लीगल पॉइंट के साथ साथ जो सबसे अहम काम है वो है अवेयरनेस लाना, और मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये अवेयरनेस की शुरुआत है। इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि जैसा सलीम साहब ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र बल्कि पूरा हिंदुस्तान, हमको जो हमारी जायदादें हैं
हम क्या उसको प्रोटेक्शन कैसा करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी जायदादें अगर प्रोटेक्ट हों, वक्फ बोर्ड की जितनी जायदादें हैं अगर वही प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो गुर्बत के बारे में सोचना ही नहीं। शकील साहब का गुर्बत थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल ही, हमको किसी के पास जाके मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भाई जिसने कहा कि भाई कई जो सो हमारे बहनें मस्जिदों के पास ठहर कर जो सो मांगने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा इतना असासा है, बल्कि सारे मुल्क में जो बादशाही हुकूमत हम 400 साल करने के बाद जो जायदादें बची थी जो वक्फ के अंडर में है, जो और बाद में आज तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कोई आदमी होगा नहीं, बहुत कम लोग होंगे क्योंकि जायदाद वक्फ करने के पोजीशन में है, जो वक्फ किया गया है अगर हम उसको बचा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा और इससे बहुत सारा फ़ायदा हमारी कौम में मिल्लत को होगा। जिस तरह के टॉपिक के पर मेरे को बोलने के लिए कहा गया था कि भाई उसको प्रोटेक्शन कैसा किया जाए, देखिए मुल्क में सबसे बड़ी जो एक फोर्स है, आप कहीं पर भी जाते हैं तो पॉलिटिकल फोर्स होती है। यहाँ पर चेयरमैन बनता है तो पॉलिटिकल पावर के हिसाब से बनता, उन्हों किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर लें चेयरमैन को बना के वो हिसाब से बनता। तो यहाँ पर जो हमारे जो कायदीन हैं जो जिम्मेदारी यानी कि मुसलमानों के मसाइल को लेकर यहाँ पर इख्तदार में आए चाहे वो किसी भी जमात से हों, उनकी ज़िम्मेदारी है कि अब इल्लीगल माफिया बैठी हुई है, इल्लीगल माफिया के पास अगर हम जाकर अगर बोलेंगे या हम हटाने की कोशिश करेंगे तो वो हमको जो है क्योंकि उनके पीछे कुछ सपोर्ट होता है, माफिया ऐसे ही नहीं बनता, माफिया तो बनता है किसी ना किसी के सपोर्ट के ऊपर, तो वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तोड़ने की ज़रूरत है और उनसे वायदा लेने की ज़रूरत है कि भाई आप हमारे नुमाइंदे बनकर असम्बली में जा रहे हैं, आप हमारे नुमाइंदे बनकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आप हमारे नुमाइंदे बनकर कॉरपोरेशन में जा रहे हैं, तो आप लोग जाने के बावजूद आप लोगों के होने के बावजूद जो हमारी जायदादें हैं फिर वो जायदादें जो सो हमारी जो सो ख़त्म क्यों हो जा रही हैं, कितने लाख करोड़, चाहे हैदराबाद की बात ले लीजिए, शकील भाई ने जैसे कहा कि मैं उस्मान भाई के साथ यानी कि हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता हम लोग वक्फ बोर्ड नहीं जाते, कोशिश करते गवर्नमेंट के नॉलेज में लाने की कोशिश करते, और वहाँ पर लाखों एक लाख करोड़ से ज़्यादा की जायदाद जो सो अभी हालिया उसमें जो सो गवर्नमेंट तेलंगाना के उसमें चले गए जो वक्फ प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, टास्क फोर्स है, जैसा कि आपने कहा कि टास्क फोर्स बनाएंगे तो वहाँ पर टास्क फोर्स भी है, उसके होते हुए ये होता है कि जो पॉलिटिकल पावर का जो दबाव है वो दबाव के अंदर चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेम्बरान हो या फिर अपने मफाद के वास्ते आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम जो हमारे नुमाइंदे बन रहे हैं उनसे बात करें, उनको बोलें कि भाई हम आपको एक कौम के तौर पर हम आपका नुमाइंदा समझ के आपको वोट दिए, आपको इस मुकाम पर ला कर बिठाएँ, तो आज आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये काम करिए आप, अगर आपसे नहीं हो सकता तो आपसे अच्छा जो आएगा हम उनको मौका देंगे, जो सीटिंग में है उनसे बात करिए कि भाई अभी जैसा कि इस मस्जिद का जो सो इशू चल रहा भाई का, तो यहाँ पर जो लोग अपने को मुसलमानों का नुमाइंदा बता रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम एक जो आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं फिर एक दूसरे तक पहुँच कर एक बड़ा जो सो एक डेलीगेशन लेकर उनके पास जाएंगे, भाई इसका करना क्या है, आप कुछ करते हो या नहीं, फिर आगे फिर पाँच साल देखते देखते ख़त्म हो रहे हैं, फिर भी ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप वायदा करते हैं तो आपको वक्त दिया जाएगा ये माफिया को हटाने के लिए, यानी कि वायदा हो गया कि फिर 5 साल के बाद आए तो देखेंगे भाई वैसा नहीं, एक वक्त एक लिमिटेड पीरियड दिया जाए कि भाई इस पीरियड के अंदर आप ये मसले को सॉल्व कर दीजिए, इस मस्जिद के मसले को या इस कब्रिस्तान के मसले को या इस दरगाह के मसले को या इस ईदगाह के मसले को, क्योंकि आप इख्तदार में हैं और आप जो सो आपका पावर रखते हैं तो आप इस्तेमाल करिए उसको, नहीं तो फिर उसके बाद हम आपके पास नहीं आएंगे, हम दूसरे के जिसके पास जाना है जो ये काम करेगा हम उसके पास जाएंगे और हम उससे काम लेंगे। छोटी सी मिसाल हमारे यहाँ पर जो सो जो क्या कहते हैं छोटे छोटे जो सो जो कास्ट है कास्टों के जो सो उनके एक वो होते यानी कि एसोसिएशन होते जैसा कि धोबी है या वो है, तो वो कभी भी मतलब वो एक उनका वोट बैंक होता है 15,000-20,000 का, तो वो जाके आप एरिया का जो एमएलए है या जो भी आगे तरक्की की बात करने वाला जो आगे जाता है तो उससे पूछते तो वो बोलता है कि भाई देखो साहब ये हमारे पास दी हुई ज़मीन है, हुकूमत दी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर आप शेड डाल दो हम आपके लिए जो सो साथ देने के लिए तैयार हैं, किसी से कहते कि आप इसकी दीवार उठा दो, तो ये जितने हैं तो ये जब ताकत में एक जगह जमा होते तो उसको पता है कि वो 15,000-20,000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं और अगर वो मैं उनका वोट हासिल करूँगा तो मैं आगे बढ़ सकूँगा, तो उसी तरीके से हम भी हमारी ताकत बताएं कि भाई यहाँ पर ये जगह खाली है और इतने मुसलमान बेरोज़गार हैं या इतने मुसलमान अनएजुकेटेड हैं, इनकी एजुकेशन के वास्ते हमको मत दीजिए, हम यहाँ हमारे लिए मांगने के लिए नहीं आए,
बल्कि जिस कौम की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं उस कौम के जैसे लोग परेशान हाल हैं, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए जो है सो हम आपके पास आए हैं हम सब लोग। तो आप अगर ये काम करेंगे तभी जो है सो कुछ हम आपका साथ देंगे, वरना फिर ऐसे ही चलते रहेगा तो हम आपका साथ नहीं देंगे। बस इतना ही जो है सो मेरे को आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बात का खुशी भी है कि मतलब ये प्रोग्राम करें, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत जो है सो मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मतलब काफ़ी टाइम से औरंगाबाद के बारे में उस्मान में बोल दे, चार पांच वक्त में आया गया, तो बड़ी खुशी भी आप लोगों से मिलके। और मैं समझता हूँ कि एक ही जो सो मेन हम लोग अगर ये सोच लें कि जो हमारी रहबरी कर रहे हैं या जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, अगर उनको टाइट करेंगे तो ये जितने जो रउडीज़म है या जो सो गवर्नमेंट है, ऑफिसर्स भी हैं, ऑफिसर्स भी कहीं ना कहीं लीडर के दबाव में ही दबते, समझिए। तो हमारा काम ये है कि ये में सबसे पहले तो अवेयरनेस अलहमदिल्ला शुरू हो गया है, और जो सो बड़े उसमें जो सो अभी एक प्रोग्राम हुआ, इससे बड़ा प्रोग्राम लोगों के अंदर जो सो अवेयरनेस लाएंगे, भाई वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ की जायदादें हैं क्या, देखो हमारी अपनी जैसा कि भाई ने कहा कि भाई कुछ फ़ायदा दिखाएं कि भाई ये बाजू की ज़मीन अगर जो सो हमको मिल जाती है तो आपको मकान नहीं है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मकान बना के देंगे। अगर वो बाजू की ज़मीन हम हॉस्पिटल के लिए लाते हैं तो हॉस्पिटल बनेगा तो आपके गरीब बच्चे का इलाज होगा। तो इस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी लाएँ ताकि लोगों को मालूम है कि अगर हम इसको हुकूमत से लाकर आवाम के अंदर डालते हैं तो उसका आवाम को फ़ायदा होगा। अवेयरनेस के अंदर जो सो कोशिश करते रहे प्रोग्रामों की, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर हैदराबाद में कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि औरंगाबाद में भी जो सो अल्लाह के करम से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ एक बार फिर जो सो हमारे शाहबुद्दीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया, और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग जो सो मेरी बात सुने और मेरे को बोलने का मौका दिया। जी बोलिए भाई। जी मैंने बोल मेरा ये सवाल था कि जैसे हम बदबोर से जी दो गरीब व्यक्ति नसीर बेवा तो जो है तो हम जगह मांगते हैं, तो बदबोर हमको जवाब देता है कि 1955 के एक्ट के तहत जो ये ज़मीन है ये मंशा वक्फ है जी, तो हम आपको दे नहीं सकते, तो इस कलम के तहत जो है 51A के तहत हमको खारिज करता है, तो ऐसी कौन सी कलम है देखिए ऐसे तो कई मंशाए वक्त के जिसके बारे में जो सो मालूम नहीं है बहुत सारे लोग, आप मंशाए वक्त की बात करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो मंशाए वक्त के ऊपर काम चल रहा है समझिए, यानी कि अगर ये हमारे पास अभी बहुत अच्छी मिसाल दी है कि मदीना बिल्डिंग बनी थी जिसका पैसा जो है सो मदीना बिल्डिंग का उस वक्त में मदीना की जो डेवलपमेंट है मदीना शरीफ का जो डेवलपमेंट है उसके वास्ते जाता था, आज भी वक्फ मंशा है वही से पैसा जमा होता, लेकिन आज सऊदी गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ उस्मान में तो सऊदी गवर्नमेंट की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका जो पैसा है कहीं ना कहीं लगता। अगर जिस तरीके से अगर किसी मंशा वक्फ के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं कि एजुकेशन ट्रस्ट के वास्ते बल्कि है, और अगर आप एजुकेशन ट्रस्ट में आप एजुकेशन जैसे स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज वगैरह बना रहे हैं, तो वो जो कमाई होंगी आपकी कमाई से आप चाहे तो फिर जो पैसा आप कमा रहे हैं वो कमा के प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीद के भी जो सो आप जो सो गरीब गुरबा के लिए सो आप डोनेट कर सकते हैं। आज डोनेट करना है सो चीज़ को बचाना सबसे बड़ा काम है। डोनेट तो हम यानी कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं जो एक ज़मीन अगर लेने जाए अगर 100 गज भी अगर हो तो लाखों करोड़ों रुपये की बात होगी, है सो डोनेट नहीं करते, जो है उसको बचा लें, और जिस पे जहाँ पर मंशा वक्फ हो, और बात ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे मंशा वक्फ के बावजूद भी खाली हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो एक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो सियासी लोग हैं सियासी तौर पे अगर कोशिश करें तो उसको भी जो सो ऐसे कई जो सो मैटर्स हो जाते हैं हमको पता भी नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, कल लड़ते हम लड़ने के बाद में मालूम होता कि वक्फ भी बोलता है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि उन गरीबों को जैसा कि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे पड़े हुए हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पहले भाई जैसा बोले सलीम भाई कि पहले ये मालूम करिए कि भाई ये प्रॉपर्टी है क्या, किस लिए जो सो प्रॉपर्टी वक्फ की जो सो है तो इसका क्या जो सो रीज़न है क्या चाहिए, वहाँ पर अगर हम उसको पहले वो उसके वक्फ की जो प्रॉपर्टी उसके उसकी डेप्थ में जाएंगे मालूम करेंगे तभी फिर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए RTA जैसा आप बता रहे थे कि RTA वगैरह के ज़रिए मालूम करिए जिसमें जो चीज़ अवेलेबल है उसको अवेल करिए। अभी आप यतीम खाने या समझिए आप घर की बात करें यतीम खाने हैं, अगर यतीम खाने बन जाते हैं तो वो भी तो सो लोगों के लिए रहने के लिए वो बन जाता है कि गरीब गुरबा बच्चे जो यतीम उनके लिए तो एक रहने का छत मिल जाता, तो ऐसे बहुत सारे हैं।
और इंशाल्लाह जो सो आपका अच्छा सवाल रहा, मेरे को बोलने का मौका भी मिला कि भाई ये है, अगर हो सकता मैं उसमें बोलने में कुछ गलत बोला हूँ या भूल चुकी है मेरे को, लेकिन जो फैक्ट बात ये है कि हमारा जो प्रेशर होना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही जो लैंड माफिया स्पेशली जो वक्फ आज जो लैंड माफिया ही जो चला रही है, तो लैंड माफिया पर लगाम लगाना है तो पुलिस कर सकती, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना है तो सियासी जो सो आदमी कर सकता, तो ये जो सो इन लोगों के ऊपर प्रेशर डालना है तो फिर आपके जैसे हमारे जैसे आवाम ही कर सकती। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओवैस बिन आमिर अल यमनी अल खन्नी, जिस मस्जिद का आगाज़ और जिस कमेटी के मातहत ये आज प्रोग्राम हो रहा है, ये महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के बैक साइड सुपारी बाग में शहीद मस्जिद है, जिसके 2017 में पिटीशन डाली गई थी वक्फ ट्रिब्यूनल में और 2019-20 में इसके हक़ में फैसला आ चुका था। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वक्फ ऑलवेज वक्फ एग्जिबिट 5 और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, एक लंबी कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद के हक़ में ये फैसला आ चुका। उसका पीआर कार्ड अपनी तौर पर है। मस्जिद का अहाता 205x125 यानी 25,625 स्क्वायर फीट पर मस्जिद है। उसके अलावा एक खबरस्तान है और उससे लगकर जो वक्फ की मिल्कियत है वो 16 एकड़ 24 गुंटे है और उसका टोटल रकबा वगैरह का जो हम एरिया निकाले वो 62 एकड़ का है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह पीआर कार्ड बन चुका है। तो औरंगाबाद का ये सबसे बड़ा पीआर कार्ड है। हमारा आप लोगों से एक अपील है कि इस मस्जिद के लिए हम कोई एक सफ़ीर नहीं अपॉइंट किए, हम खुद किसी के पास चंदे के लिए नहीं जा रहे, तो हमने एक छोटा सा इनामी मुकाबला रखा है जिसका नाम है अल हया हिजाब इनामी मुकाबला, जिसमें 50 सवालात रखे गए, वो है बुरख़े के ताल्लुक हया हिजाब के ताल्लुक से। तो जैसे आज मस्जिद के मामला भारत भर में उठ रहे हैं, वैसे ही बच्ची के ताल्लुक से बुरख़ा क्यों होना, इंस्टीट्यूट में क्यों होना, कॉलेज में क्यों होना, क्यों नहीं। उस मामले में कुछ जज्बाती लोग जो है कोर्ट चले गए, जैसे सलीम साहब ने कहा कि हम अपना हक़ बताने के लिए कोर्ट क्यों जाना, मैं भी उस बात से एग्री हूँ। तकलीफ़ आपको है, आप मुझे कोर्ट में लाओ, मैं आपको बताता। मुझे मेरे खानों ने, शरीयत इस्लामी ने, अल्लाह उसके रसूल ने जो खवानीन दिए हैं मैं उस पर अमल करता हूँ। आपके धर्म के अंदर आपको जो राइट्स मिले आप उस पर अमल करो। कुछ लोग डुक्कर खाते, मेरे को एतराज़ है, मैं उसको खिलाफ़ पिटीशन डालू क्या? कुछ लोग शराब पीते, कुछ लोग हरामखोरी करते, कुछ लोग सूद खाते, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं। आपको करना है आप शौक से करो, आपका मामला है, मगर मामला ये कि हम अपनी चीज़ को मनवाने के लिए उठे छोटे कोर्ट में जा रहे और कोर्ट हमारे खिलाफ़ फैसले कैसे दे रहा आपको पता। उसमें तेलंगाना कोर्ट ने उस वक्त एक अप्लाई की थी कि इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वो लोग इसमें अपील करें, इसमें आके रहनुमाई करें, क्योंकि आपके ये मजहबी मामला है, आप इसमें आकर कुछ रहनुमाई करें। कोई नहीं आया, उसके खिलाफ पिटीशन रिजेक्ट हुई, अब वो अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। तो सिर्फ ये मामला हिजाब की हद तक नहीं रहा, इसी तरह आने वाले जैसे उस्मान साहब ने कहा कि ये दस्तूर बचाने का मामला है, तो ये ख़त्म करने की शुरुआत ऑलरेडी 2022 में हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1991 के ख़िलाफ़ 7 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके। पिछले महीने में 27 तारीख को वक्फ एक्ट 1995 ख़त्म करने की कोशिश शुरू हो चुकी। आने वाले दस्तूर में बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को ख़त्म करने की कोशिश होने वाली है और आने वाले वक्त में हमको भी यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश होने वाली। तो जागो, तैयार हो जाओ और अपने तौर पर इस्तेमाल करो अपने आप को और अपने औलाद को। आज आप कुछ बचा कर जाएंगे तो कुछ बचेगा। तो इस कोशिश की शुरुआत हमने अल हया हिजाब इनामी मुकाबले में रखे, जिसमें 50 सवालात हैं। हर 50 एक सवाल के अंदर 3 जवाबात की शक्ल है, वो कुरान हदीस की रोशनी में है कि बुरख़ा क्यों ज़रूरी है, हया किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। पहला इनाम उसमें 1,00,000 रुपये रखा गया, दूसरा इनाम 50,000 के 2 रखे गए और तीसरा इनाम 25,000 के 4 इनामत रखे गए। और उसकी एक किताब सवाल जवाब की किताबचे की शक्ल 100 रुपये रखी गई। उससे बचने वाला रेवेन्यू पर इंशाल्लाह ओवैस बिन आमिर अल यमनी अल खरनी मस्जिद तामीर होंगी इंशाल्लाह। तो आप सभी से गुजारिश है और हर ये वीडियो की शक्ल में, एक दूसरे की शेयरिंग की शक्ल में बात लोगों तक पहुँचाएँ कि वक्फ एक्ट मसाजिद और एक और आने वाली नस्लों को हम कैसे बचा और कैसे लेकर चले। जो भी वीडियो की शक्ल में देख रहे हैं, तो भाई हमको अल्लाह के वास्ते आपका लाइक, आपका कमेंट नहीं चाहिए, हमको आपका शेयर नहीं चाहिए, इसमें हमको आपका ताउन चाहिए, ज़ाती एतबार से चाहिए, माली एतबार से चाहिए और आप इसमें खुद चाहिए। तो आप ये कोशिश करें और हमारे साथ जुड़िए और हमारे वो एक दूसरे का हौसला बनिए
और आगे बढ़िए। इंशाल्लाह औरंगाबाद से ये तहरीक खड़े होंगी एक अपने वार्ड की शक्ल में, अपने शहर की शक्ल में, अपने स्टेट और अपने इस मुल्क की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम।